अध्यक्ष हमारे राजेश ठाकुर जी भी, इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। व्यक्तियों के लिए खुशहाली की कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजेश ठाकुर जिंदाबाद, आलमगीरी जिंदाबाद, पत्रराज जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अभी हमारे माननीय झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे जी का आगमन हो रहा है बाबा के नगरी में। फर्स्ट बार वो आ रहे हैं और प्रमंडलियों में कल जो है वो बैठक सम्मेलन, कार्यकर्ता के साथ सम्मेलन है प्रमंडलीय पर स्तर पर, और उनका स्वागत हम लोग एम्स में अभी निकल रहा है रैली मोटरसाइकिल गाड़ी के साथ में, कपिलाना के साथ में उनका भव्य स्वागत हम लोग करने जा रहे हैं। पहली बार वो बाबा का नगरी में आए हैं और हम लोग पूरा एक ऊर्जा है, खुशी, प्रभारी चेंज हुए, उत्साह है सर। पहली बार आ रहे हैं प्रभारी जी, कहना तो नहीं चाहिए मगर जो पिछले प्रभारी थे उन्होंने संगठन को चरमरवा दिया था। आज चिंतन शिविर गिरिडीह में लगाया गया, राहुल जी ने भी स्पष्ट कहा जो कार्यकर्ता के बोलत आज मंत्री और विधायक बनते हैं, पहले कार्यकर्ता को आप सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। ये एक बड़ा मैसेज पूरे झारखंड में गया और पूरे झारखंड मजबूत हो रहे हैं। अध्यक्ष हमारे राजेश ठाकुर जी भी, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अविनाश पांडे जी अभी प्रभारी बने हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी हमको लगता है बहुत संगठन पार्टी इससे कितनी मजबूत होगी, पार्टी बहुत मजबूत होगी और हम समझते हैं फिर राजकीय पार्टी है, देश का सबसे बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है। और जो अभी आप देख रहे हैं जनता का जो डिमांड है, बेरोजगारी, महंगाई, जो शर्म सीमा बीजेपी के राज्य में है, जो मैग्नेट उनको मिला वो खरा नहीं उतरे। और हम समझते हैं कि 2024 सरकार परिवर्तन होगी और हम लोग कांग्रेस की आएगी देश में। ये पूरा देव मतलब समझिए झारखंड क्या पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि अब परिवर्तन जरूरी है। धन्यवाद। हरा हरा हरा।
महावीर पीतांबर भागंबर अंग सनकादिक प्रभुताधिकार सभी स्थानीय हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और बाबा भोलेनाथ के इस मंदिर में आज दर्शन प्राप्त हुए, झारखंड की और देश की खुशहाली के लिए और हमारे सभी समाज के हर व्यक्तियों के लिए खुशहाली की मैंने कामना करता हूं। और आज जो हमारे विदेश में हमारे भाई लोग जो फंसे हुए हैं, जो बच्चे वहाँ पर घर आने के लिए तरस रहे हैं, उन सब की सुरक्षा और सुरक्षित वो घर आ जाए। सर, प्रभारी बनने के बाद पहली बार देखा दौरा हुआ है, संगठन में बदलाव की मांग हो रही है, इस बारे में आज ये हमारा धार्मिक स्थल है, बाबा का आशीर्वाद लेने हम आए हैं। यही कामना करता हूँ कि जिस मिशन पर हम निकले हैं संगठन के मंच सशक्तिकरण के लिए माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, तो ईश्वर हमें सफल बनाए और हमारे पूरे कांग्रेस परिवार को बल, शक्ति और ताकत दे कि आज जो जन विरोधी ताकतों से हम मुकाबला कर रहे हैं उसमें हमें सफलता।